सैनिटाइज करके और फैलावट ना हो। अभी ये रुकावट है लॉकडाउन के कारण, काफी गिरावट भी आई है और लोग भी अभी प्रिकॉशन खूब रख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी इससे और भी काम अभी देखिए। मैंने कहा पहली प्रायोरिटी जो पेशेंट्स थे जिनको बेड नहीं मिल रहे थे, पूरा प्रशासन सब लोग, आप खुद भी रात को 2-2 बजे रिपोर्टिंग कर रहे थे, देख रहे थे किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, स्वयंसेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं सभी गाड़ियों में सिलेंडर लेके घूम रहे थे। फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी, जैसे ही वो थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण अभी स्लो हुआ, केसेज गिरने शुरू हुए, नए केसेज आने कम हो गए, पॉजिटिव केसेज आने कम हो गए, रिकवरियां ज्यादा होगी, तो अब ये इस तरह की था। मिडिल क्लास फैमिली मिडिल क्लास के राशन पहले भी आपके सामने है, हमारी केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया, इस पर 2 महीने के लिए राशन फिर फ्री दे रहे हैं, और अभी जो कोरोना से इफेक्टेड लोग हैं जिन परिवारों में डेथ होगी उनके लिए 2 लाख रुपए का, उनके बच्चों की जो बच्चे अनाथ हो गए, आज दिन में ही हमारी अभी 11 बजे VC थी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें जुड़े हुए थे, हमारी प्रांत के टोली के बैठा थे, उन्होंने अभी बताया कि उनकी पढ़ाई लिखाई सारी चीज की चिंता वो करने वाले, 1-2 दिन में बात सामने आ रही है। स्कूलों की फीस भी जा रही है, ईएमआई जा रही है, पिछली बार तो 3-3 महीने का स्कूलों के बारे में बात हुई, आपकी प्राइवेट स्कूलों से बात की जाएगी, 1 महीने का जो है नहीं, जो बच्चे घर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, देखो दो पहलू हैं इस बात के, स्कूल में अगर हम फीस के लिए मना के लिए कहते हैं, दूसरे दिन टीचर्स भी आपके सामने, कई स्कूलों के टीचर्स भी धरने के ऊपर बैठे सैलरी को लेकर, स्कूलों की देखिए जहां से फीस आनी है फीस में से ही सैलरी जानी है, ये दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं, तो इसका बीच का रास्ता कुछ भी निकलता तो आपसी बातचीत से ही निकलना चाहिए। सरकार ऐसा प्रावधान नहीं करते कि टीचर की सैलरी जो है, देखिए जैसे आप बीपीएल परिवारों के लिए कर रहे हैं कुछ ऐसे, क्योंकि सबसे काफी लोग बीपीएल परिवारों में कवर हो जाते हैं, फिर अब इनकम के आधार पर भी पीछे सरकार ने सुविधाएं दी हैं, जिनकी इनकम कम है, कम इनकम वाले लोगों के लिए आयुष्मान की योजना दी है, काफी कुछ सरकार के लेवल पर हो रहा है, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लेवल पर हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी महामारी आई है, इसका इफेक्ट नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, हर एक को छू के जाएगी, अगर आप सोचो कि चाहे कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी है उसको छू के नहीं जाएगी क्या, सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, ऑर्डर बंद हो गए थे पिछले साल, इस साल तो फिर भी थोड़ा लॉकडाउन को ईज आउट किया है, इस बार थोड़ा सा सुकून है, तो पिछली बार तो बहुत ज्यादा था, और अनदेखी बीमारी है, किस रूप में सामने आई, पहले फर्स्ट वेव किस रूप में आई, बड़ी उम्र के बीमार लोगों को ज्यादा अटैक किया, इस बार तो हम हैरान हो रहे हैं, 30-30 साल के बच्चे, 25-25 साल के बच्चे, और अब जो आशंका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी, अभी थर्ड वेव फिर आएगी जो छोटे बच्चों को अटैक करेगी, छोटे बच्चों के लिए भी नर्सरी की तैयारी करना, आगे दिक्कत ना आए, थर्ड वेव की तैयारी करना, ये बहुत काम है, मैं समझता हूँ थोड़ा पॉजिटिव पार्ट भी हमें देखना चाहिए, नेगेटिव के साथ साथ हर आदमी लगा हुआ है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं, चाहे वो सरकार हो चाहे राजनीतिक दल हो, मैं तो देखता हूँ अनेक ऐसे कार्यकर्ता, अभी आपने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा विरोध का भी सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी मंडी में जाकर मास्क भी बांटे, सैनिटाइजर भी बांटे, और लोगों के बीच में गए, अवेयरनेस के लिए गए, वैक्सीनेशन के लिए गए, इसी वैक्सीनेशन के लिए जब हम अवेयर करते थे अपोजिशन के लोग मजाक उड़ाते थे कि ये बीजेपी वालों का टीका है, ये सांप्रदायिक टीका है, ये लगाओगे आप नपुंसक हो जाओगे, इस तरह का भ्रम प्रचार फैलाते थे, आज वही सबसे पहले लाइन में खड़े हैं वैक्सीनेशन का टीका लगाने के लिए, अब तुम्हारे में अगर हिम्मत है, जो तुम लोगों को भ्रमित कर रहे थे, लोगों को झूठ बोल रहे थे, अब तुम्हारे को क्यों जल्दी हो रही है, हमारे पास फोन आता है भाई साहब मेरा नंबर लगवा दो वैक्सीनेशन के लिए, ये दोहरा चेहरा है, दोहरा चरित्र, कम से कम जब आप चुनाव हो तब आप जितना भी झूठ बोल सकते हो हमारे बारे में बोलो, लेकिन अब समय आपदा का है, इस समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे के साथ समाज के भले के लिए काम करना चाहिए, और आप लोग भी करते हैं, आपका भी धन्यवाद। बटा जी, रामदेव जी का जो बयान आ रहा है डॉक्टरों के प्रति, उस पे एक तरफ तो एलोपैथी को मजाक, उन्होंने क्या बयान दिया है, बयान ये दिया था कि एलोपैथी दवाइयां जो हैं वो पक्ष में नहीं है, उससे लोग ज्यादा मर रहे हैं, दूसरा ये कि डॉक्टर अपने डॉक्टरों को नहीं बचा सके तो देश का क्या बड़ा करेंगे। देखो बाबा रामदेव जी बहुत बड़ी शख्सियत है, काफी लोगों को उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जागरूक किया, सेहत के लिए लोगों को उठना सिखाया, सुबह 5 बजे उन्होंने किया, अब उन्होंने किस विषय में बयान, देखिए एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो सबका अपनी अपनी जगह महत्व है, आज कितने ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो आयुर्वेद में नहीं है एलोपैथी में, तो लोग एलोपैथी में भी जाते हैं, मैं समझता हूँ ये कोई पैरेलल सिस्टम नहीं है। हाँ ये ठीक है कि आप विकल्प के रूप में आप काढ़ा है, आपने कोरोना किट भी कोई बनाई है, उन्होंने कोरोनिल के नाम से कुछ किया तो ठीक है, अभी कोरोना को लेकर अभी जो एलोपैथी के अंदर भी दवाइयां आई, पहले यही था कि प्लाज्मा थेरेपी का फायदा है,
अभी लेटेस्ट आ गया प्लाज्मा थेरेपी का फायदा नहीं है। रेडमिसिवियर इंजेक्शन को माना जाता था लाइफ सेविंग है, वो आज कह रहे हैं कि उसका पहले 4-5 दिन में मिल जाए तो फायदा, उसके बाद फायदा नहीं है। रोज नई रिसर्च सामने आ रही है, रोज नई चीजें आ रही है। अभी वैक्सीन के अंदर भी, अभी मैं आ रहा था रस्ते में, मैं नाम कोट नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे बताया बहुत रेप्यूटेड आ रही है कि अभी एक नई थ्योरी आ रही है कि अगर आपने कोविशील्ड लगाई है तो बाद में एक फाइजर का कोई बता रहे हैं कि वो लगा लो, उसका ज्यादा बेनिफिट है। तो ये हिट एंड ट्रायल है सारा का सारा, तो हम सब लोग देख रहे हैं। अगर बाबा रामदेव जी ने कुछ और देते हैं, अल्टरनेट देते हैं, या साथ साथ आप एलोपैथी के ले रहे हैं तो साथ में वो किट भी ले लें, तो मेरे हिसाब से कोई नुकसान वाली बात नहीं। हरियाणा सरकार भी कोरोनिल को बांटने जा रही है, जैसे कोरोनिल माननीय अनिल विजी का मैंने पढ़ा, तो हरियाणा सरकार ने उसमें क्या कि उनकी कॉस्ट तो है ही है, उसका कुछ कॉस्ट में से कुछ पे उन्होंने चैरिटी के रूप में दे रहे हैं बाबा रामदेव जी, कुछ हिस्सा पार्ट इन्होंने कर दिया। एक चीज फ्री में समाज के आगे आ रही है, जिसको आवश्यकता उसको यूज करे, जिसको विश्वास है यूज करे, जिसको विश्वास जिस पद्धति में है, मेरा प्लाज्मा थेरेपी में है तो उसमें जाऊं, मेरा ऑक्सीजन बाईपैक में है बाईपैक में है उसमें जाऊं, मैं किसी चीज में जाना चाहता हूं, तो हर एक का अपना अधिकार भी है और डॉक्टर की एडवाइस भी मानते हैं। माल्टन वाले मिले थे कब तक कंटेनमेंट? नहीं, मैं आज सवेरे माल्टन वाले सुबह मेरे घर पर आए थे, सारी मार्केट एसोसिएशन के लोग, तो उनकी बात मुझे जनरल लगी, मैंने तुरंत डीसी साहब को फोन मिलाया और डीसी साहब का 10 मिनट बाद मेरे पास फोन आया। उससे पहले फिर मैंने एसपी साहब से बात कर ली थी, एसपी साहब से मेरे को पर्सनली सेक्रेटरी जाके किसी और विषय में मिलना था, किसी इन्वेस्टिगेशन के विषय में, ये चर्चा भी मैं दोबारा करके आया, तो उन्होंने कहा अभी डीसी साहब से बात करके हम इसका जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन लगाना आसान है, उसको हटाने की गाइडलाइंस जो है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है सेंटर की, उसके माध्यम से आता है, उसका भी कोई नोटिफिकेशन का डेट होता है, यदि अभी चेक करके उन्होंने ओके कर दिया। दोनों ने सिद्धांतिक रूप से माना कि अभी कंटेनमेंट जोन को खत्म करना चाहिए, मेरी बातचीत माना, अभी उसका लीगल एस्पेक्ट क्या है एक बार वो देख के देख लेते हैं। धन्यवाद श्रीमंत भाई, थैंक यू।